आई होप कि आपको इस टॉपिक के सारे कंसेप्ट्स अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। तो उन सभी कंसेप्ट्स पर बेस्ड एक क्वेश्चन है। इसमें हमें एक फंक्शन दे रखा है x अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस 4 और इसे हमें इंटीग्रेट करना है। तो अब आप इस क्वेश्चन को पहले खुद से ट्राई कीजिए। फॉर दिस प्लीज पॉज द वीडियो हेयर एंड टेक 4 मिनट्स टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। आई होप आप सभी ने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा। तो चलिए अब इसके सॉल्यूशन को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले यदि हम जो डिनोमिनेटर में टर्म है स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस 4 उसको यदि हम एफ एक्स के इक्वल अज्यूम करें तो उसको हम टी के इक्वल लिखते हैं, तो यहाँ हो जाएगा टी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस 4। और इसको हम आगे सॉल्व करके ये भी लिख सकते हैं कि एक्स इज इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 4। एंड इसको हम आगे सिंप्लीफाई करके ये भी लिख सकते हैं कि एक्स इज इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 4। अब हम अपनी सेकेंड स्टेप के अकॉर्डिंग टी को एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, जिससे हमें मिलेगा डी टी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1/2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस 4। अब इसको हम रीअरेंज करके इस तरह से भी लिख सकते हैं कि 2dt इज इक्वल टू दिस। अब ये हमने इसलिए लिखा क्योंकि हमारे क्वेश्चन में भी कुछ इस तरह की टर्म्स दे रखी हैं। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम dx अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 4 को 2 dt से रिप्लेस कर सकते हैं। तो फिर अब x की वैल्यू क्या रखेंगे? तो आप देख सकते हो कि x की वैल्यू हम पहले निकाल चुके हैं। तो अब आपको पता चल गया होगा कि हमने यहाँ x की वैल्यू क्यों निकाली थी। अब हम इस क्वेश्चन में इन सभी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करेंगे जिससे कि हमारा क्वेश्चन हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ टी स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 dt। अब 2 को बाहर ले लेंगे जिससे हमारा टी स्क्वायर माइनस 4 फंक्शन बचेगा, इसको हमें इंटीग्रेट करना है और इसको हम अब आसानी से इंटीग्रेट कर सकते हैं। अब हमें फाइनल आंसर जो मिला है वह मिला है 2t इंटू टी स्क्वायर माइनस 12 अपॉन 3 प्लस सी। अब सिंस यहाँ t एक डमी वेरिएबल है जिसकी वैल्यू हम यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारा फाइनल आंसर कुछ इस तरह का होगा, जो कि बराबर होगा 2/3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 4 इंटू x माइनस 8 प्लस इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट c।